तो दोस्तों यदि आप फिस्टुला की ट्रीटमेंट सर्जरी के रूप में करवाते हो तो कितने दिन ड्रेसिंग करना है, जख्म कैसा रहता है, उसको साफ सफाई कैसे करना है, यदि लेजर ट्रीटमेंट किए तो कैसे इसको क्लीनिंग करना रहता है, और यदि आपने फिस्टुलेक्टमी फिस्टुलोटोमी जिसमें थोड़ा सा घाव बड़ा रहता है तो फिर उसको कैसे क्लीन करना है, कैसे ड्रेसिंग करना है, जख्म कितने दिन में भरता है, इसमें से चिपचिपा पानी कितने दिन तक आता है, जो चिकना पदार्थ, बहुत बार पेशेंट घबरा जाता है कि परूपस रसी आ रहा है, इन्फेक्शन हो गया है ऑपरेशन के बाद, लेकिन बहुत बार नॉर्मल स्टिकी डिस्चार्ज भी आता रहता है जख्म में से। तो ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर चिंतन बी पटेल, मैं पाइल्स फिशर फिशुला का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ और क्वालिफाइड जनरल सर्जन हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों फिशुला यानी बगंदर, बगंदर यानी एक सुरंग जिसमें चमड़ी पे एक एक्सटर्नल ओपनिंग, अंदर एक इंटरनल ओपनिंग, ये दोनों के बीच में जो टनल है, सुरंग है, या फिर ये जो रास्ता है, ट्रैक बोलते हैं, ये रास्ते को हम बगंदर बोलते हैं यानी फिशुला नैनो। जब ये फिशुला नैनो को हम जड़ से उखाड़ देते, खास करके जब सिंपल लो लेवल फिशुला है तो बहुत बार फिशुलोटोमी या फिशुलेक्टमी सर्जरी रहती है। यदि आपकी सर्जरी इनिशियल ग्रेड की है तो इसमें सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा रहता है, वापस होने के चांस काफ़ी कम रहता है। तो जब ये जख्म को पूरा उखाड़ देते हैं तो उधर जो मलद्वार की जगह पे कट आ जाता है, खड्डा हो जाता है, एक खड्डे में से चिपचिपा पानी, डिपेंड करता है कि आपका जख्म कितना बड़ा है, वो डिपेंड कर रहा है कि आपका फिशुला कितना बड़ा है। तो ये फिशुला अगर छोटा है तो 15 से 30 दिन में जनरली जख्म भर जाता है, और यदि आपका फिशुला थोड़ा सा बड़ा था तो फिर आपको कभी कभी 1 से 2 महीने भी जख्म को भरने को लगते हैं। तो जब तक ये जख्म है तब तक उसको उधर से चिकना पानी आता है दोस्तों। तो ये चिकना पानी को आपको एरिया जो जख्म है, जो घाव है, उसको क्लीन रखना है, उसको हाइजीन मेंटेन करना है। तो उसको क्लीन करने के लिए आपको मोशन पास करने के बाद मलद्वार का एरिया है उसको अच्छे से पानी से, रेगुलर वाटर, रनिंग वाटर से धो देना है, बार बार पानी से उसको धो देना है। एक बार आपने पानी से अच्छे से धो दिया है तो ये जो चिपचिपा पानी आपको आते रहने वाला है, तो उसको आपको घबराना नहीं है। आपने आपके सर्जन को बता दिया, आपने आपको डॉक्टर को दिखा दिया, तो फिर आपको तसल्ली हो गई है कि सब बराबर चल रहा है। तो ये जो चिकना पानी आता है इसके लिए आपको ड्रेसिंग करना अच्छा रहता है, दो कारण। एक तो ये ड्रेसिंग से आपको एक पैडिंग इफेक्ट मिलता है, यानी ये जख्म पे जब आप बैठते हो तो आपको दर्द कम होने वाला है, तो ये पैडिंग इफेक्ट के लिए आपको ये ड्रेसिंग मदद करेगा। दूसरा, जो चिपचिपा पानी है उससे आपको गीला लगने वाला है, तो ये गीला लगता रहेगा तो भी आपको अनकम्फर्टेबल डिसकम्फर्ट लगेगा, तो ये चूस लेगा ये चिकना पानी, चिकना पदार्थ को, तो भी आपको अंडरवेयर गीला नहीं होगा, कपड़े खराब नहीं होंगे और गीला गीला नहीं लगेगा। तो दो कारण से हम ड्रेसिंग एडवाइस करते हैं। तो जो जख्म है इसको अच्छे से वॉश कर देना पानी से, रेगुलर वाटर से, या फिर नॉर्मल सलाइन जो इजीली मार्केट में केमिस्ट में मिलता है, ये पानी से आपने अच्छे से बार बार धो दिया है, और आपका जो जख्म है इस पर फिर आपको थोड़ा सा ऑइंटमेंट लगाना है, कोई भी बीटाडीन, पोविडोन, आयोडीन, मेट्रोजिन पी, ये सब ऑइंटमेंट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है, या फिर आपके सर्जन ने आपको कोई ऑइंटमेंट सुझाव दिया है तो वो ऑइंटमेंट आपको यूज़ करना है। ये गॉसपीस पे लगा देना ऑइंटमेंट को, जख्म पे इसको लगा देना है, और फिर उसके ऊपर पतला टेप आता है, माइक्रोपोर पेपर टेप, ये जो पेपर टेप रहती है उससे जो आजू बाजू की चमड़ी है वो जब आप ड्रेसिंग को खोलते हो वापस तो ये चमड़ी ख़राब नहीं होती, तो माइक्रोपोर पेपर टेप या ट्रांसपोर टेप आती है, इससे स्किन पे डैमेज कम होता है। यदि आप ऐसी डाइनाप्लास्ट लगाते हो, ये जो कड़क पट्टी रहती है, इससे क्या होता है कि जख्म का ड्रेसिंग खुलता नहीं है, लेकिन बहुत बार ये उखाड़ने के टाइम चमड़ी को डैमेज करता है। तो ये आपको हो गया बात, ये कैसे ड्रेसिंग करने की बात। कभी कभी आपको लंबे रूट से ड्राइविंग करना है, दूर जाना है, या फिर कोई ऐसा इवेंट है, लगन प्रसंग है, कोई बड़ा 6-8 घंटे का कार्यक्रम है और आपको उधर अटेंड करना है, तो बीच बीच में जब ऑपरेशन ताजा हुआ तो बार बार गीला हो जाता है। तो ऐसे केस में आप सैनिटरी पैड को 2 पीस में कट कर दीजिए, जैसे कि कोई सैनिटरी पैड जो रहता है, जो मेंस्ट्रुएशन या मासिक के टाइम यूज़ करते लेडीज लोग, महिला लोग, उसको आपको 2 पीस में कट कर देना, उसका हाफ पार्ट चिपका देना है जख्म के पास, और फिर उधर आपको लगा दिया, उसके ऊपर वापस आपको अंडरवेयर पहन लेना, जिससे बहुत कंफर्टेबल महसूस करोगे, बार बार गीला नहीं होगा, पैडिंग इफेक्ट भी देगा वो सैनिटरी पैड, और जो उधर से पानी निकलता है, चिकना पदार्थ निकलता है, चिपचिपा फ्लूइड निकलता है, ये सब भी उसको चूस लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको गीला गीला नहीं लगेगा। तो ये सैनिटरी पैड यूज़ कर सकते हो, ये स्टराइल गॉसपीस यूज़ कर सकते हो, या फिर बहुत बार गैमजी पैड यूज़ कर सकते हो, बहुत बार डाइपर भी लोग यूज़ करते हैं, या लंगोट भी यूज़ करते हैं ये ड्रेसिंग के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली उस पर अंडरवेयर भी यूज़ कर सकते हो। कॉटन, रुई, कापूस, ये आपको जख्म पे डायरेक्टली नहीं लगाना है, क्योंकि उसके पतले पतले थ्रेड्स रहते हैं जो चिपक जाते हैं जख्म में,
और फिर उसमें इन्फेक्शन बहुत बार चालू रहता है या फिर वो थ्रेड्स बहुत बार निकलते नहीं, उखाड़ते हो तो थोड़ा सा रह जाता है वो पतले पतले धागे। इसके लिए आपको डायरेक्ट कॉटन जख्म पे यूज़ नहीं करना है। ये जख्म को क्लीन करने के लिए रनिंग वाटर या फिर पोविडोन सॉल्यूशन या पोविडोन आयोडीन, और फिर उसके बाद क्लीन करने के बाद एक ऑइंटमेंट गॉसपिस ड्रेसिंग या फिर ऑइंटमेंट थोड़ा सा सैनिटरी पैड, या फिर डायरेक्टली आप उस पर अगर जख्म छोटा हो गया, चिपचिपा पानी ज़्यादा नहीं आ रहा है, जख्म 15-20 दिन हो गए सर्जरी को अभी चिपचिपा पानी नहीं आ रहा है, तो फिर आप ड्रेसिंग नहीं करोगे तो भी चलेगा। यदि आपको दर्द नहीं है और चिपचिपा पानी नहीं है तो फिर वक्त आ गया कि ड्रेसिंग को आपको बंद करना है। तो बहुत बार 1-2 सेंटीमीटर का पतला सा छोटा सा चीरे जैसा घाव रहता है, लेकिन आपको दर्द ज़्यादा नहीं है और आपको चिपचिपा पानी भी ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो फिर आप तभी ड्रेसिंग बंद भी कर सकते हो। पगंदर की जो ड्रेसिंग है कभी कभी 15 दिन भी चलती है, और कभी कभी कॉम्प्लेक्स फिशुला है तो बहुत बार ड्रेसिंग 1-2 महीना या 1.5-2 महीना भी चलता है। यदि आपने लेज़र सर्जरी करी है तो लेज़र सर्जरी ऐसी सर्जरी है या फिर लिफ्ट यानी लाइगेशन ऑफ इंटरस्फिंक्टरिक फिशुला स्ट्रैक, ये सब सर्जरीज में काटकूट बहुत कम रहती है, जख्म बहुत छोटे रहते हैं, तो जो चिपचिपा पानी है वो थोड़े दिन बहुत बार आता है तो आपको उसको बस क्लीन कर देना है, छोटा सा ड्रेसिंग की ज़रूरत रहती है। और बहुत बार ये जख्म 10-20 दिन या फिर 1 महीने के अंदर सब कुछ अच्छा हो जाता है और चिपचिपा पानी अपने आप बंद हो जाता है। तो लेज़र सर्जरी लिफ्ट सर्जरी में सिर्फ क्लीन करना है, छोटा सा ड्रेसिंग देना है, और अगर आपका फिशुलेक्टमी फिशुलोटॉमी या फिर घाव बड़ा है तो फिर आपको ड्रेसिंग उस हिसाब से कितने दिन करना है वो डिपेंड करेगा घाव कब तक भर रहा है कि नहीं। कभी कभार रात का समय है, ड्रेसिंग खुल गया है, जख्म छोटा है, चिपचिपा पानी नहीं आ रहा है, तो फिर आप ड्रेसिंग तभी नहीं करते तो भी चल जाता है। तो मेनली आपको जो एरिया है जख्म का फिशुला का, उसको आपको हाइजीन मेंटेन करना है, उसको क्लीन रखना है। चिपचिपा पानी इन्फेक्शन जैसा पस जैसा बहुत बार नॉर्मली एक्सपेक्टेड रहता है, आपको आपके डॉक्टर के टच में फॉलोअप में रहना है, और यदि आपको दिलासा देते हैं चेक करते हैं और बोलते हैं कि सब बराबर है तो घबराने की कोई बात नहीं है। एक बार जख्म भर जाता है फिर ही आपको बाद में अच्छे से पता चलता है कि वापस आपको फिशुला हो रहा है कि नहीं, तो आपको आपका माइंड काम रखना है और आपकी डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करनी। तो ये थी कुछ बेसिक यूजफुल जानकारी पगंदर फिशुला की ट्रीटमेंट, जो सर्जरी के बाद कैसे जख्म का ध्यान रखना है, कितने दिन तक चिपचिपा पानी आ सकता है, और कब आपको ड्रेसिंग बंद करना है, ड्रेसिंग करने के क्या मेन हेतु है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आपकी क्या एक्सपीरियंस रहा फिशुला सर्जरी के बारे में। और जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, इसे क्लिक कीजिए और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए धन्यवाद।